अब आपका ये डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करेंगे, वो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको कि आप जब विंडोज पावर शेल में जाएंगे तो शायद उस टाइम आपका मेरा स्क्रीन नहीं दिखा था, इसलिए मैं आपको ये चीजें फिर से आप स्क्रीन दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कोड डॉट और एंटर करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। तो इससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाती है। ये देखिए आपका ये खुल गया है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब आपका ये चीज जब हो जाने के बाद आप किसी भी फोल्डर पे जाएंगे और जब वहाँ राइट क्लिक करेंगे, किसी भी आप अपने जो किसी ड्राइव के किसी फोल्डर में जाएंगे और राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, ओपन के विजुअल स्टूडियो आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपका वो खुल जाएगा। राइट क्लिक करेंगे ओपन विद विजुअल स्टूडियो। नेक्स्ट आपका जो मैं बताना चाह रही हूँ मैं अभी इसको क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपको जाना है स्टार्ट में और यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम टाइप करेंगे तो एग्जाम कंट्रोल पैनल आपको खुल जाएगा और यहाँ पे आपका ये पहले से मेरा स्टार्ट था तो मैं इसको स्टॉप करके इस तरह का है। अब मैं इसको यहाँ से जाके पहले अपाचे को स्टार्ट करूँगी और MySQL स्टार्ट करूँगी। इससे क्या है कि मेरा अब जो है एग्जाम सर्वर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट चीज जो मैं करूँगी वो बताने जा रही हूँ आप। यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो आपका ग्रीन दिखा रहा है इसका मतलब है कि ये रन होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे अभी लिख रहा है अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों ये जो है ये अपाचे सर्वर और MySQL ये वाले पोर्ट्स को यूज कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस पे एडमिन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका ये स्क्रीन खुलेगा, उसके बाद आप इस पे पीएचपी माय एडमिन पे चले जाएंगे तो आपका ये स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है। तो ये पीएचपी माय एडमिन क्या होता है और दिस विल हेल्प यू टू व्यू डेटा योर डेटाबेसेस, ओके। What are the databases you have made? You can export or import your database from here, okay. You can convert Excel file into the database from here. और यहाँ पे जो database server लिख रहा है इसमें आपको बता रहा है कि आपका server ये है, सर्वर टाइप क्या है MariaDB, सर्वर कनेक्शन कौन सा है, सर्वर का वर्जन कौन सा आप यूज कर रहे हैं, प्रोटोकॉल वर्जन क्या है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सब की चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें अभी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस आपने जो है अपना एग्जाम सर्वर स्टार्ट कर दिया तो अब उसके बाद आपको इतना इस सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे कि अब हम कैसे उसमें काम करेंगे।